दादा दादा लगाओ दादा लगाओ। जय अम्बे जय अम्बे। खुश रहो बेटा। रंगों की होली मस्त। अभी कौन बचा? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। वीरा खाड़ी की चबूतरी, क्या रंग लगाने का हक सिर्फ तुम्हें है? ये लो अहमदाबाद का रंग। मॉम होली मुबारक बेटा। होली मुबारक बेटा। आपको भी होली मुबारक। अनु कन्हैयालाल होली मुबारक। होली मुबारक कन्हैयालाल। पागल भैया होली मुबारक। मिस्टर प्रताप सिंह राव जी, आप यहाँ बिन बुलाए? अरे बिन बुलाए का क्या मतलब हुआ? अरे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो बिन बुलाए होली के दिन आपके घर आ जाऊं? अरे मुझे आपकी बहू मही ने फोन किया था और उसी ने होली के मौके पर यहाँ आने के लिए मुझे खास निमंत्रण दिया था। अरे मैंने तो कितनी बार उसे लाख मनाने की कोशिश की कि भाई वो होली बोली मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने क्या किया पता है? उसने मेरे ही बेटे और बेटी की कसम दे दी मुझे, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आइए सागर, इन्हें बिठाइए। प्रताप जी ऐसे आइए, मानो का स्वागत ऐसे करते हो यार। कन्हैयालाल इनके लिए पानी लेके आ। लाऊं? प्लीज बैठ। ये मही बिना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आमंत्रण दे देती है। चलता है अनु, ऐसे मौके पर गुस्सा थूक देते हैं। तिवारी। तिवारी जी आप? अरे हमको मही ने फोन करके आमंत्रण दिया है, कहा है जल्दी से जल्दी आ जाओ। हमने कहा हमको बहुत जरूरी काम है, फिर भी बोली आ जाओ। तो जाइए अपना जरूरी काम कीजिए। जी ऐसे मौकों पर गुस्सा नहीं करते। डैड प्लीज भूल जाइए ना। तिवारी जी अंदर आइए ना, वहाँ क्यों खड़े? आइए आइए। इंस्पेक्टर गब्बर। हाँ मही भाभी कहाँ है? अच्छा उसने आपको भी बुलाया है? हाँ, और बेटा बेटी की कसम भी दी। हाँ पहले तो उन्होंने मुझे बेटा बेटी की कसम दी, फिर मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। उन्होंने मेरी खाकी वर्दी की कसम दी, इसलिए मैं चला आया। प्रमोशन मिल जाता अच्छा होता। नहीं मही को क्या हो गया? इंस्पेक्टर को बुलाने की क्या जरूरत? कोई बात नहीं। हाँ आइए आइए अंदर आइए आइए। बात नो एंट्री नो एंट्री ये घर में। क्या कर रहे हो तुम? सागर भाई किचन में से डंडा लेके आइए। उस दिन इतने मुझे बंदल था। हाँ तो इतने भी मुझे सतुंदल ऐसे कहा था। ए जा चल चोटले चल निकल। पहले मही भाभी को पूछ क्या कि तंदू भाग दे, मैं भाग दूंगा कपड़े लेके। सागर भाई छोड़ दीजिए। कन्हैयालाल देखिए आज हमारे घर में मेला है और मही ने इन सबको आमंत्रित किया है। सो शंकर भाई अंदर आइए ना। आप लोग बैठ जाइए ना। बैठ। लगता है आप कोई नहीं आएगा, बैठ जाए। अब होली का जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आठ यार। ओ सॉरी आठ दुश्मन। रंगों का मैजिक। पता नहीं हम सबको बुला के ये मही कहाँ चली गई। अरे भाई ये हम सबको आमंत्रित करके मही कहाँ चली गई? एक मिनट मैं देख कर आता हूँ। हाँ भाई
ए, चल पानी पी। हमाले में दुश्मन को भी पानी पिलाने का रिवाज है, पी चल। और हमाले में दुश्मन के हाथ का पानी पीने का रिवाज नहीं है। अबे पी चल। केले तो पी। का नहीं है लाल। राजीव ला, ये ले। सागर, इंस्पेक्टर राठौर तो तुम्हारे दोस्त है ना, बैठ जाओ। डैड वो कहते ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी। अरे भैया अब ये दोस्ती दुश्मनी छोड़ो। अच्छा सागर ये बताओ कि पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हो? मैं? हाँ, अरे अनसुया जैसे बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो तो पॉलिटिक्स में तो माहिर होगे ना। ये मेरी बीवी की तारीफ है या बुराई? अरे नहीं नहीं, मैं अनसुया जी की बुराई क्यों करूंगा। हाँ माना कि राजनीति में हम विरोधी है, लेकिन जो सच है वो तो कबूल करना पड़ेगा ही ना। ओहो, ये डायरेक्ट सासू माँ को बता देते प्रताप अंकल तो कितना अच्छा होता। जिसको जिसके साथ बात करनी चाहिए वो तो कर ही नहीं रहा है। लगता है मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मही अब तो पिक्चर में आना ही पड़ेगा। जय अम्मे, कैसे आप सब लोग, मस्त ना? ही कहाँ चली गई थी तुम? ले सासू माँ, मैं तो यही थी, आप सबके सामने ही तो थी। मैं ना सासू माँ मिस्टर इंडिया, नहीं नहीं सॉरी, मिसेस इंडिया बन गई थी। अच्छा तुम मिसेस इंडिया बन गई थी। हाँ। आ तो जरा इधर। अब मुझे बता कि तूने इन सबको चुन चुन कर कसम देकर यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेहमान आए हुए, रिलैक्स। इनमें से कौन हमारा मेहमान है? वही मॉम सही कह रही है, इन्हें नाश्ता वास्ता करवाओ और भेजो यहाँ से। ये आपस में ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना। ठीक है मैं भेजती हूँ, लेकिन आपको मेरी कसम मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। अच्छा तो तुमने हमें फंसाने का प्लान बनाया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ।